फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है सहरी का और आपको पता है सैटरडे को सहरी हमारी मम्मा के घर होती है। तो बस अभी मैं जा रही हूँ किचन में चिकन कढ़ाई बनाने के लिए और मम्मा पराठे बनाएंगे और साथ में मम्मा कढ़ाई में जो अंडा बनाती हैं वो बनाएंगी। तो चले जी आए चलते हैं किचन में सहरी की तैयारी करने। और रमज़ान का दूसरा अशरा स्टार्ट हो गया, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। तो अल्लाह करे दूसरा अशरा भी खैर खैरियत के साथ हम सबका गुजरे। तो चले जब चलते हैं किचन में। और जी बस मैं आ गई थी यहाँ पे किचन में चिकन कढ़ाई बनाने के लिए। सहरी में सिर्फ एक घंटा बाकी रह गया था और मम्मा बना रही हैं यहाँ पे प्याज वाले अंडे कढ़ाई के अंदर, जो कि हम सब भी बहुत शौक से खाते हैं सहरी में। तो साथ ही मम्मा पराठे भी बना लेंगी। और मेरी ड्यूटी थी सिर्फ और सिर्फ टेबल पे बर्तन लगाना, चिकन कढ़ाई बनाना और बाकी का काम था मम्मा का। तो बस मिलकर हम दोनों ये कर रहे हैं और हनी जो है अपने बच्चों को संभाल रही है, क्योंकि माशाल्लाह बच्चे जो है ना जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं वैसे वैसे बहुत ज़्यादा होशियार होते जा रहे हैं और उनकी शरारतें जो है ना दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। और कुछ लोग जो है ना बच्चों की शरारतों को देखकर बोलते हैं कि ये शैतान है, इनमें शैतानी आ गई है। तो आई थिंक मुझे ये वर्ड जो है ना सही नहीं लगता, बच्चों को शैतान बोलना। तो बच्चे शरारती होते हैं, आपको शरारती वर्ड ही बोलना चाहिए। तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो है ना हमारे शरारती हो गए, उनकी शरारतें जो है ना दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। तो हनी को ड्यूटी लगाई थी कि तुम जी अपने बच्चों को संभालो, हम सहरी को संभाल लेते हैं, सहरी की सारी जो है ना तैयारी कर लेते हैं। तो बस जल्दी जल्दी यहाँ पे मैं चिकन कढ़ाई बना रही थी और चिकन कढ़ाई की थोड़ी मैं ग्रेवी ज़्यादा रखूँगी, क्योंकि माशाल्लाह से हम अफराद ज़्यादा थे और चिकन कढ़ाई ज़्यादा ड्राई भी अच्छी नहीं लगती और ज़्यादा पतली पानी भी अच्छी नहीं लगती। तो बस यहाँ पे चिकन कढ़ाई भी बन रही है और साथ साथ जो है मम्मा पराठे बेल रही थी और मैं फटाफट यहाँ पे इनको ऑयल लगाकर जो है बना रही थी। चलो जी अब यहाँ पे नमाज पढ़ लेते हैं, यहाँ पे तो ऑलरेडी नमाज पढ़ी जा रही है। जो है हो चुकी है और फजर की नमाज भी यहाँ पे हो गई है। और यहाँ पे मोहसिन ये क्या कर रहे हो? पानी बना मोहसिन यहाँ पे मलिहा की पोनी बना रहा है। पोनी बना रहे हो कि मेरी बच्ची के बाल खींच? ठहर है ना, वो बिल्कुल टाइट पोनी बना रहा है, बिल्कुल मॉडल वाली। हाँ, एयर होस्टेस वाली, मॉडल वाली। क्या पीपा वेट कैसे पकड़नी है? ठहरो, खस्ती थी बीबा। वेट 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 वेट, आज की लगता है तारीख में ये पोनी नहीं बनेगी, बन जाएगी। मे बी आपको नेक्स्ट व्लॉग में ये देखने को मिले। मोहम्मद इधर आओ, मुझे पॉप कर। आज ये हमारा मोहम्मद
ये किसका बेटा इतना प्यारा सा? लाला। लाला का रोजा रखा है? ये वाले कौन से रखे हैं? 20 ऑर्डर किए हैं। इधर रखा है बस। ये तो सरदारों वाली बन गई, अच्छी लग रही है वैसे। जूरा हमारे यहाँ था, वाह बीबा, हमारे दूसरे भी जाते हैं रोज कटे हुए। अब करो ना, क्यों बंद कर रहे हो? पिशावर का नहीं होगा, पिशावर का हैदराबाद होगा। नमस्ते भी कर, ससुरिया काल भी कर। इसमें शूज उतार दिए, ये देखो। नहीं उतारे, नहीं उतारे, नहीं उतारे, वो नमाज पढ़ रहा था। नॉर्मली हाँ No, baby doll, Barbie doll. जाओ। Barbie, not a good doll. Barbie doll, जाओ तो सही। जाओ तो ये सितर पड़ो हम। No, Maliha. No, no, Maliha. जाओ, जाओ, जाओ। जाओ, आपको मैं $100 दूंगा वहाँ पे। जाओ, जाओ। जाओ। You want to eat bubble gum? You want to eat bubble gum? Okay, जाओ, जाओ। No. कुली, ये हमारा कुली है। हम जब यहाँ से जाते हैं तो ये सामान गाड़ियों में ये रखा होता है, कुली नंबर वन। कुली 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 कुली, हाय कुली, आ जाओ ना भाई। बिना मैंने अपनी शादी से पहले तुम्हें इस तरह की अंगूठी दी थी? नहीं, तुमने मुझे कभी कुछ नहीं दिया। चलो आगे मेरी जूती दे दो फिलहाल। चेंज की है जूती। और जी रात को हम जब शॉपिंग पे गए हुए थे ना, तो 15 मिनट के लिए हनी बिल्कुल गायब हो गई थी और मिल नहीं रही थी। कहाँ गई है? मैं जईम मोहम्मद को लेकर एक साइड पे थे और हनी मलिहा और मलिहा के जो फादर हैं वो एक साइड पे घूम गए थे। तो इतने में जी जब हनी वापस आई तो पता लगा कि जी हनी के हाथ में ये रिंग है और हनी ने कहा कि ये रिंग देखो कैसी है। मैंने कहा तुमने मेरे लिए नहीं ली, सिर्फ अपने लिए ही ली है। तो कहती है उसके पास एक ही थी, मुझे ये अच्छी लगी, मैंने ले ली है। तो खैर कोई इतनी महंगी नहीं है, आप सबने मुझे बताना है इस रिंग के प्राइस क्या होंगे। आर्टिफिशियल रिंग है, गोल्ड की नहीं है, तो आपने बताना है कि ये कितने की है, ठीक है? तो चले जी, आज का व्लॉग जो है मेरा होता है यहीं पे दी एंड। आज का व्लॉग आप सबको कैसा लगा, मेरी आज की शायरी की रूटीन कैसी लगी, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और अभी हम जा रहे हैं अपने अपने घर और अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच हमें शायरी पे इनवाइट ना करने के लिए, लेकिन हम फिर भी आ गए। तो बा इसकी ज्वेलरी, इसके कपड़े कभी नहीं खत्म हो सकते। चलो चलो इधर आओ, चले जी इधर आओ भाई। ओके जी, ओके, हाफिज़ हाफिज़ हाफिज़। ओके कुली नंबर वन, हाफिज़। देखो किसी ने चावल तो मेरे डब्बे धो के रखना। ये शौक से खाते, इसको दे देना। देगी देगी तो खाता है ना। सफाई करने के बाद जो है फिर मैं सो गई थी और सोकर उठी, फिर नमाज पढ़ी और अभी मैं उठी हूँ और अभी मैं जा रही हूँ इम्तियाज़, और इम्तियाज़ से लेनी थी कुछ छोटी मोटी चीज़ें, तो बस वो लेकर आती हूँ और बाकी का व्लॉग बाद में स्टार्ट करती हूँ। और जी अल्लाह पाक हर लड़की का मायका जो है इसी तरह से कायम दायम रखे, अल्लाह पाक नज़र बद से बचा कर रखे उन सब बेटियों को जो खुशियों के साथ अच्छे तरीके से अपने ससुराल को भी लेकर चल रही हैं और माँ बाप के घर को भी लेकर चल रही हैं। और हमारी खुशकिस्मती है कि हम अपने माँ बाप के घर बग़ैर किसी
डर के खौफ के जाते हैं, इज्जत आबरू के साथ बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं और मज़े मज़े की बातें करते हैं और वापस अपने घर इज्जत के साथ आ जाते हैं। तो ये हमारी खुशकिस्मती है अल्लाह पाक का। आज मेरा ना इफ्तारी में कुछ डिफरेंट बनाने पे दिल कर रहा है, तो देखते हैं कि वो डिफरेंट बन भी पाता है कि नहीं। ए सामने देखो, तो देखते हैं कि वो डिफरेंट कुछ जो मैं बनाना चाह रही हूँ वो बन भी पाता है कि नहीं। और अभी मेरी जो शक्ल है वो बहुत सोई सोई लग रही है क्योंकि हम अभी सोकर उठे हैं और उठते साथ ही भी हम जा रहे हैं बाहर इम्तियाज़ पे। याद है ना सैया सुपरस्टार क्या क्या लेना है? आलू, लहसुन, पकौड़ियाँ, चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर, हाँ, कुटी लाल मिर्च, कुटी हुई खूटी और कुटी हुई लाल मिर्च लेनी है और काली मिर्च लेनी है और थोड़ी सी चीज। और जी बस यहाँ पे इम्तियाज़ आ गए हैं। रश बहुत ज़्यादा हो रहा था और मैंने ज़ेम को ये बोला कि ज़ेम आप अंदर जाएं, मुझे आप बाहर कार में ही बैठे रहने दें, क्योंकि मैंने सुबह आती पूरे घर की सफाई की, डस्टिंग की, मोप लगाया और मेरा यही था कि अब जब मैं पूरी सफाई कर ही रही हूँ तो ये भी कर ही लूँ। तो उसने में जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा प्यास का एहसास होने लग गया था, तो बस मैंने अभी ज़ेम को भेजा है और ज़ेम जो है जल्दी जल्दी जो है ना खैर से जितनी भी हमें छोटी मोटी ग्रॉसरी करनी थी ज़ेम वो करके आ गए हैं। और रोज़ा खुलने में सिर्फ और सिर्फ एक घंटा रह गया है और इस एक घंटे में जो है ना मुझे सारे काम करने हैं और बस अभी ज़ेम अभी घर जाएंगे मेरे साथ और जाते जो है ना जल्दी से हेल्प करवाएंगे। और यहाँ पे ज़ेम मुझे बता रहे थे कि ये ग्रीन एप्पल काफ़ी एक्सपेंसिव था, लेकिन मैंने ये दो एप्पल जो है ना 480 रुपीज़ के आपके लिए लिए हैं, आप खाएंगे। तो मैं यहाँ पे हंस रही थी कि अगर आप ये भी ना लाते तो मैं ना खाती, इतने महंगे दो एप्पल लेने की क्या ज़रूरत थी। तो कहते नहीं, दो दिन पहले आप मुझे कह रही थी ना कि ग्रीन एप्पल मुझे बहुत पसंद है, तो बस नज़र आया तो मैं ले आया। तो खैर अब जी यहाँ पे हम घर जा रहे हैं और मुझे टेंशन है कि घर जाके किस तरह से मुझे जो है ना सारा सामान समेटना है और जल्दी से जो है ना तैयारी करनी है इफ्तारी की। और जी यहाँ पे चिकन जो है ना ज़ेम से मैंने मंगवाया था बोनलेस, इसकी कुछ मुझे क्यूब्स करके रखने थे। कुछ आज मेरा दिल कर रहा था वाइट सॉस पास्ता जो है बनाने पे, जो कि मैंने कभी भी आज से पहले नहीं बनाया। खाया ज़रूर है लेकिन मैंने कभी खुद से नहीं बनाया, लेकिन आज मैं फ़र्स्ट टाइम जो है बनाऊँगी। तो बस 5-6 रेसिपीज देखने के बाद जो है मैंने सोचा कि बस अब मैंने देख ली है, जो भी करूँगी खुद से करूँगी, बार बार मोबाइल खोल कर नहीं देखूँगी। तो बस बटर यहाँ पे मेल्ट हो गया था, बटर के अंदर ही है मैंने 1 से 1.5 चम्मच जो है मैंने ऐड किया था मैदे का, और वो अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैंने इसके अंदर एक मिल्क पैक जो है छोटे वाला वो सारा ऐड कर दिया। बस थोड़ा सा ही बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, हम दोनों के लिए ही फर्स्ट टाइम है ना, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ज़्यादा बनाऊँगी। तो बस यहाँ पे पूरा मिल्क पैक मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था और आँच जो है मैंने हल्की कर दी थी, साथ साथ मैं जो है चम्मच हिलाती जाऊंगी और जैसे ही इसकी एक क्रीमी सी पेस्ट बन जाएगी उसके अंदर मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा नमक ऐड करूंगी और काली मिर्च ऐड करूंगी और कुटी हुई जो होती है लाल मिर्च वो ज़ेम नहीं लेकर आए थे, भूल गए थे, तो वो इसके अंदर ऐड मैंने नहीं की थी। फिर तो बस ये दो चीज़ इसके अंदर ऐड करके इसकी एक जो क्रीम सी बन जाएगी उसको फिर मैं एक अलग से बर्तन में निकाल लूंगी और इसी बर्तन के अंदर ही जो है ना मैं फिर बनाऊंगी दूसरा मटेरियल। अच्छा जी, एक तरफ जल्दी से पकौड़े भी फ्राई कर रही थी आलू वाले, और आजकल हम रमज़ान में यही वाले खा रहे हैं, दूसरे पकौड़े खाने पे इतना कुछ खास दिल नहीं कर रहा। तो और दूसरी साइड पे मैं बना रही हूँ वाइट चिकन पास्ता और उसी के अंदर जो है मैंने ऑयल डाला, ऑयल के अंदर मैंने चिकन फ्राई किया, फ्राई करते ही मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड कर दी थी, वो ऐड करने के बाद जो है मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी शिमला मिर्च, और शिमला मिर्च मैं ज़्यादा ऐड नहीं करूंगी क्योंकि ज़ेम शिमला मिर्च बिल्कुल भी नहीं खाते, और इसको अच्छी तरह भून लूंगी जैसे ही मेरा चिकन जो है ना गल जाएगा, तो इसके अंदर मैं काली मिर्च और नमक ये दोनों चीज़ें ऐड कर दूंगी और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी ओरिगैनो। और अच्छा, मैंने इसके अंदर ये कॉर्न भी ऐड किए हैं, बॉयल कॉर्न है, ये भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, और उसके बाद जिसके अंदर मैं ये जो सॉस मैंने बनाई थी वो ऐड कर दूंगी। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैंने जो पास्ता बॉयल किए थे, पास्ता सबसे पहले मैंने बॉयल करके साइड पर रख दिए थे, जो मैंने पास्ता बॉयल किए थे अब मैं वो इसके अंदर ऐड कर दूंगी, साथ साथ जो है ना सारे काम कर रही हूँ, पकौड़े भी फ्राई कर रही हूँ, चिकन रोल भी फ्राई कर रही हूँ।
तो बस यहाँ पे जिसके अंदर मैंने ये ऐड कर दिया है, फर्स्ट टाइम बनाया, टेस्ट बहुत अच्छा था, आज से पहले मैंने कभी भी नहीं बनाया, बस मेरा अचानक से दिल किया खाने पे तो मैंने सोचा बना लेती हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम और ज़्यादा जो है मेरा हाथ इसमें बनाने में अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे जी ये भी बन के रेडी हो गया है और रोज़ा खुलने में सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं, बड़े एंड टाइम पे जो है ना मेरा ये काम हुआ है। और जल्दी से अब मैं शरबत भी बना लूँगी, क्योंकि शरबत के बगैर जो है ना हमारा रोज़ा अफ्तार बिल्कुल भी नहीं होता। ठंडा ठंडा वो पीते हैं तो ही जो है ना हमारे कलेजों को जो है ना ठंडक मिलती है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने लास्ट में इसके अंदर चीज़ भी ऐड कर दी थी, मेरे पास ये चीज़ स्लाइस थे, दही आज ही लेकर आए हैं, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। तो बहुत ही सिंपल सी इजी सी रेसिपी है जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है, और नो डाउट रेस्टोरेंट से भी मैंने खाया है, तकरीबन ऐसा ही टेस्ट होता है, कुछ चेंज नहीं था, तो मुझे तो अच्छा लगा है खाने में। और अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इतनी कोई मुश्किल रेसिपी नहीं है। तो यहाँ पे जी हमारा पास्ता जो है ना यम्मी सा, वो भी रेडी हो गया है, हमारा रोज़ा भी जो है खुलने में सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड्स रह गए थे, तो बस मैं ये लास्ट में बैठकर जो है ना जल्दी से इसकी मूवी बना रही थी। और अब जी मांग लेते हैं दुआ, ताकि अल्लाह पाक जो है हमारी दुआ जल्द से जल्द कबूल करे हमारी तमाम ख्वाहिशात को। और जी रोज़ा इफ्तार करने के बाद हमने नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़कर अभी हम बैठ गए हैं यहाँ पे, और बुब्बू जो है इस तरह से मेरे पास आके बैठा हुआ था, बहुत ही क्यूट लग रहा था, इसलिए जल्दी से जईम ने जी इसका एक छोटा सा क्लिप भी बना लिया। और यही भी होता है जी हमारा आज का व्लॉग भी दी एंड। आज की मेरी रूटीन आपको कैसी लगी आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। जितनी मैं मेहनत कर रही हूँ उसका क्रेडिट अभी तक मुझे नहीं दिया जा रहा, सिर्फ व्यूज़ दिए जा रहे हैं, कोई भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा। आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप यकीन करें जितना थकन हो जाती है ना व्लॉग अफ्तारी के बाद, सहरी के बाद व्लॉग बनाना, एडिट करना, और जब आपका रिस्पांस अच्छा मिलता है, वो सारी थकावट जो है ना सिर्फ आपके एक रिस्पांस से ख़त्म हो जाती है, फील ही नहीं होता कि आज हम इतना ज़्यादा थके हुए थे। तो मैं उम्मीद करूँगी कि जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।